नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज जब मैं कॉलेज से घर आया तो घर का नज़ारा देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। एक जवान आदमी मेरे दीदी के कमरे से बाहर आया और उनके पीछे मेरी दीदी भी बाहर आई। मैं तो सन्न रह गया कि आखिर मेरी दीदी इस आदमी के साथ अकेले कमरे में क्या कर रही थी। वो आदमी बहुत ही हट्टा कट्टा था, तंदुरुस्त और नौजवान था। मैंने दीदी से पूछा, दीदी तुम इस आदमी के साथ अकेले कमरे में अंदर क्या कर रही थी। दीदी मुंह टेढ़ा करके बोली, तुझसे क्या मतलब, मेरा जो मन करेगा मैं वो करूँगी। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चली गई और दीदी वो आदमी भी बाहर चला गया। मैं समझ रहा था कि दीदी अब पूरी तरह जवान हो गई थी, मगर इसका मतलब ये थोड़ी था कि किसी की भी साथ वो सब करे। वो आदमी अब रोज़ हमारे घर आने लगा था। मैं दीदी को बार बार समझा कर थक चुका था, मगर मेरी दीदी समझने के कोई बिल्कुल तैयार नहीं थी। उनको बस तो रंगरलिया मनाने का बहुत चढ़ा था। मैंने सोचा, अगर ये बात मैं मम्मी पापा को बता दूँ तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। अब तो ये आदमी रात को भी घर आ जाने लगा था। मैं सोच में पड़ गया था कि आखिर मेरी दीदी की क्या मजबूरी है जो इस आदमी के साथ ये सब करना पड़ रहा है। मैं सोचा, अगर कहीं मोहल्ले वाले को ये सब देख लेंगे तो हमारी बहुत बदनामी होगी, मगर दीदी को ये बात समझ में नहीं आ रही थी। एक दिन रात को मैं बाथरूम के लिए उठा। जब मैं बाथरूम जा रहा था तो मुझे दीदी के कमरे से कुछ आवाज़ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई आदमी कमरे में था। मैं खिड़की से झांक कर अंदर देखा तो मेरे होश उड़ गए। वही आदमी मेरी दीदी के साथ। दोस्तों, मेरा नाम विकास है, मेरे मम्मी पापा गांव में रहते हैं। मैं और मेरी दीदी हम दोनों लखनऊ में रहकर अपनी पढ़ाई करते हैं। मेरी दीदी बहुत ही खूबसूरत है, उनको देखकर कोई भी लड़का उनको चाहने लगता है, मगर मेरी दीदी किसी की भी भाव नहीं देती। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, फिर मुझे कुछ दिनों के बाद दीदी ने बदलाव नज़र आने लगा। वो हमेशा अपने मोबाइल में न जाने क्या देखती थी। जब मैं उससे पूछता था वो कहती थी, तो अपने काम से काम रख, अब मैं जवान हो गई हूँ, मेरी जो मर्जी है वो करूँगा। एक दिन मैं स्कूल से आया, मेरी दीदी को देखा कि कमरे के अंदर थी, अंदर से दरवाज़ा बंद था। मैंने आवाज़ लगाई तब दीदी बोली, विकास थोड़ी देर बैठ, मैं अभी आती हूँ। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगा। थोड़ी देर बाद दीदी ने दरवाज़ा खोला, कमरे से एक तंदुरुस्त आदमी बाहर निकला, उसी के पीछे मेरी दीदी भी बाहर आई। ये नज़ारा देखकर मेरे रंगोटे खड़े हो गए। जब वो आदमी चला गया तो मैंने दीदी से पूछा, दीदी ये सब क्या चल रहा है। दीदी बोली, छोड़ तो नहीं समझेगा। मैंने कहा, दीदी तुम गलत कर रही हो। दीदी बोली, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, और मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रही हूँ। मैंने सोने चला गया और सोच रहा था आखिर मेरी दीदी इतना गंदा काम कैसे कर सकती है। ऐसे ही एक दिन फिर दीदी उस आदमी के साथ कमरे में थी और अंदर से दरवाज़ा बंद था। मैंने खिड़की के अंदर से झांक कर देखा तो वो आदमी दीदी के सामने बैठा था और उनके हाथ में एक किताब थी। मैं ध्यान से देखा, वो दीदी के कुछ पढ़ा रहा था। थोड़ी देर बाद दीदी बाहर आई। मैंने कहा, दीदी तुम अंदर इतना अच्छा काम करती है और मुझे बताया भी नहीं। दीदी बोली, विकास मैं पढ़ाई करके कुछ बनना चाहती हूँ और इसीलिए मैंने अपनी टीचर से बात करके घर पर ही कोचिंग शुरू कर दी हूँ। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप और भी मज़ेदार वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पर क्लिक कीजिएगा। धन्यवाद।